तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सन 1983 में आई फिल्म हीरो के बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और उसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिल्म हीरो 1983 में आई एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें कि हमें जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी सेशाद्री, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, शक्ति कपूर, मदन पुरी और अमरीश पुरी नज़र आए थे। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुभाष घई ने, और तो और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी सुभाष घई ने ही किया था। इस फिल्म के राइटर थे मुक्ता घई, सुभाष घई और राम केलकर। इस फिल्म में म्यूजिक को कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की जोड़ी ने। साथ ही साथ इस फिल्म के लिरिक्स को आनंद बख्शी ने तैयार किए थे और इस फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे जो कि थे डिंग डोंग, मोहब्बत ये मोहब्बत, लंबी जुदाई, निदिया से जागी बहार, प्यार करने वाले, कभी डरते नहीं और तू मेरा हीरो है। दोस्तों फिल्म हीरो के ज़्यादातर गानों में हमें अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर और मनोहर उदास के आवाज़ को सुनने को मिलता है। और तो और अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 1983 में इस फिल्म को तकरीबन 3 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने पूरे भारत में तकरीबन 6 करोड़ 25 लाख रुपये कमाए थे और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, जबकि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में पूरे 12 करोड़ 50 लाख रुपए के कलेक्शंस किए थे और वर्ल्ड वाइड में इस फिल्म का वर्डिक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी का था। और तो और यह फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के हिसाब से। और इसी के साथ फिल्म हीरो 1983 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी, जबकि पहले नंबर पर थी अमिताभ बच्चन की फिल्म कूली, जिसने की बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपये कमाए थे और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। जबकि दूसरे नंबर पर थी सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब, जिसने की बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और तीसरे नंबर पर थी हीरो, जिसने की बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और चौथे नंबर पर थी हिम्मत वाला, जिसमें कि हमें जितेंद्र नज़र आए थे और इस फिल्म ने 6 करोड़ रुपए कमाए थे और एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और पांचवें नंबर पर थी फिल्म अंधा कानून, जिसमें कि अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और रजनीकांत नज़र आए थे, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए कमाकर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और अगर हम फिल्म हीरो के अवार्ड्स की बात करें तो इसे उस साल के फिल्मफेयर अवार्ड्स में अनुराधा पौडवाल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अनुराधा पौडवाल इस अवार्ड को नहीं जीत पाई थी। तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म हीरो जैकी श्रॉफ की बॉलीवुड में एज ए हीरो पहली फिल्म थी, लेकिन इससे पहले जैकी श्रॉफ को देवानंद ने फिल्म स्वामी दादा में इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें कि जैकी श्रॉफ शक्ति कपूर के एक चमचे बने हुए नज़र आते हैं, जबकि मीनाक्षी सेशाद्री को मनोज कुमार ने इंट्रोड्यूस करवाया था फिल्म पेंटर बाबू में। और जब फिल्म हीरो रिलीज हुई थी तब इसने बॉक्स ऑफिस पर अंधाधुन कमाई की थी और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और इसके साथ ही जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सेशाद्री दोनों ही रातों रात सुपरस्टार्स बन चुके थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इस फिल्म के लिए जब पहली बार सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को संजीव कुमार से मिलने के लिए बुलवाया था, तब जैकी श्रॉफ शॉर्ट्स पहनकर ही संजीव कुमार से मिलने के लिए चले गए थे, जिसे देखकर कि सुभाष घई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए थे। और सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ से यह भी कहा था कि तुम किसी ऐसे वैसे इंसान से नहीं मिलने जा रहे हो जो कि तुम इसी तरह से चले आए हो, तुम संजीव कुमार से मिलने के लिए जा रहे हो, जिसके बाद कि जैकी श्रॉफ को अपनी गलती का एहसास हुआ था। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म के लीड रोल के लिए डायरेक्टर सुभाष घई ने सबसे पहले संजय दत्त को सिलेक्ट किया था, मगर वो अपने करियर के शुरुआत में ड्रग्स एडिक्शन के चक्कर में फंस गए थे, इसके कारण कि उन्हें इस फिल्म को छोड़ना पड़ा था। संजय दत्त के बाद फिर सुभाष घई ने लीड रोल के लिए कमल हसन को भी चुना था, मगर उन्होंने भी इस फिल्म को नहीं किया था क्योंकि वो अपने साउथ की फिल्मों के लिए भी अपने डेट्स को दे चुके थे। इसके बाद के फिर इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने कुमार गौरव को भी इस फिल्म के लीड रोल के लिए चुना था, और सुभाष घई ने यह भी कहा कि उन्हें इस फिल्म के लिए अपनी दाढ़ी को बढ़ाना होगा और वर्कआउट्स भी करने होंगे, जिसके कारण कि कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार ने काफ़ी ज़्यादा फीस मांगी और सुभाष घई ने मना कर दिया। इसके बाद अंत में जाकर डायरेक्टर सुभाष घई ने यह डिसाइड कर लिया था कि वो इस फिल्म में एक न्यू कमर को कास्ट करेंगे। फैक्ट नंबर 4,
डायरेक्टर सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को पहली बार एक मॉडलिंग फोटोग्राफ में देखा था, जिसमें कि उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और दाढ़ी भी थी, जिसके बाद कि सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को फिल्म हीरो के लिए कंसिडर कर लिया था। लेकिन जब जैकी श्रॉफ ऑडिशन के लिए सुभाष घई के पास पहुँचे तो सुभाष घई ने यह देखा कि जैकी श्रॉफ ने अपनी दाढ़ी और मूछों को शेव कर लिया था, और यह देखकर सुभाष घई काफ़ी ज़्यादा शौक भी रह गए थे। लेकिन बाद में फिर सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को यह बताया कि वह इस फिल्म के कैरेक्टर के लिए दाढ़ी और मूछें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके बाद के फिर जैकी श्रॉफ ने अपनी दाढ़ी और मूछों को बढ़ाया था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों फिल्मों के जाने माने एक्टर सलीम डिंग डोंग, जिन्हें कि हम सलीम खान के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने फिल्म हीरो से ही अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था और आगे चलकर वह सलमान खान के कई फिल्मों में नज़र भी आए थे। साथ ही साथ वह शाहरुख खान के डेब्यू फिल्म दीवाना में भी नज़र आए थे, जिसमें कि उन्होंने सॉन्ग कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला में बाइक चलाया था, और वह शाहरुख खान के पीछे बाइक चलाते हुए नज़र भी आते हैं। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में पहले शक्ति कपूर वाले रोल को डैनी डेंगजोंपा कुछ दिन के लिए शूट कर चुके थे, मगर इस रोल को लेकर डैनी काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे, क्योंकि ये रोल उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था बल्कि एक कॉमिकल रोल था, और ये बात पहले डैनी को नहीं बताया गया था। लेकिन आगे चलकर इस फ्रस्ट्रेशन को डैनी ने इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई के सामने रखा था, जिसके बाद फिर इन दोनों ने एक साथ काम ना करने के लिए मान गए थे। फैक्ट नंबर 7, फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ को एक टपोरी किस्म के इंसान का किरदार निभाना था, और इसमें जैकी श्रॉफ को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि वो मॉडलिंग से पहले कुछ ऐसे ही थे, और फिल्म मुन्ना माइकल में भी उनके बेटे टाइगर श्रॉफ का लुक उनके पिता जैकी श्रॉफ से ही इंस्पायर्ड था। जैकी श्रॉफ उस समय बॉलीवुड में एक नया चेहरा था, जिस कारण क्रिटिक्स ने सुभाष घई को काफ़ी तारीफ की थी, क्योंकि उस दौर में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड पर राज करते थे। जिस दौर में इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को अपने फिल्म के जरिए लॉन्च किया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म हीरो के शूटिंग के शुरुआत में सुभाष घई जैकी श्रॉफ को फिल्म से निकालने की सोच रहे थे, क्योंकि जैकी श्रॉफ सही से एक्ट नहीं कर पा रहे थे और डायलॉग्स भी सही से नहीं बोल पा रहे थे, जिससे कि जैकी श्रॉफ खुद टेंशन में आ गए थे। और घई ने जैकी श्रॉफ को काफ़ी समझाया था, जिसके बाद कि फिर जैकी श्रॉफ को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ था, और फिर आगे चलकर जैकी श्रॉफ अपने परफॉर्मेंस को सुधारने भी लगे थे। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म के लिए मीनाक्षी सेशाद्री वाला रोल सबसे पहले मुनमुन सेन को ऑफर हुआ था, पर मुनमुन सेन को जब सुभाष घई ने कहा कि उन्हें जैकी श्रॉफ के अपोजिट प्ले करना है, तो उनका रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं था, जिससे कि सुभाष घई गुस्सा होकर मीनाक्षी सेशाद्री को कंसिडर कर लिया था। लेकिन फिर तुरंत ही मुनमुन सेन को अपनी गलती महसूस हो गई थी, और उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म अंदर बाहर को साइन कर लिया था। फैक्ट नंबर 10, जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, तभी जैकी श्रॉफ अपने मोटरसाइकिल से गिर गए थे, जिसके कारण कि उनकी अगली दो दांतें टूट गई थी। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों फिल्म हीरो में राजदूत 350 बाइक को काफ़ी ज़्यादा हेवली प्रमोट किया गया था, जबकि उस समय तक किसी भी बॉलीवुड की फिल्म में किसी भी चीज़ को इस तरह से प्रमोट नहीं किया गया था, और दोस्तों आगे चलकर बॉलीवुड की फिल्मों में इस ट्रेंड को बहुत ही ज़्यादा ऊपर कर दिया गया था। और एक ऐसा भी वक्त आया जब बॉलीवुड की फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स किए जाने लगे थे। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों इस फिल्म का एक फ्लूट वर्जन फिल्म हीरोपंती में एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया गया था, और दोस्तों इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ लीड कैरेक्टर में नज़र आए थे। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं तक, आगे आपको कौन से फैक्ट जानने हैं या हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर जो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।